हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं या जितने भी अफिलेटेड कॉलेजेस के आने वाले एग्जामिनेशंस के बारे में ये बातें होने वाली है। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी अपकमिंग एग्जामिनेशंस यूनिवर्सिटी लेती है, जैसे TYBCOM, TYBSC, TYBA, TYBMS, TYBBI, TYBAF, सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक सर्कुलर रिलीज किया गया है रिगार्डिंग द डेट ऑफ कमेंसमेंट। अब ये डेट ऑफ कमेंसमेंट पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 4/5/2013 नहीं, ये 5/4/2013 है, मतलब ये 4 मई 2023 नहीं, ये 5 अप्रैल 2023 है। जी हाँ, यहाँ पे जो डेट्स का पैटर्न लिखा गया है वो गलत नहीं कहूंगा मैं, इसे अमेरिकन फॉन्ट कहा जाता है, जहां पर अमेरिकन डेट ऑफ लाइन कहा जाता है, जहां पर पहले डेट मंथ को लिखा जाता है, फिर डेट एंड देन ईयर लिखा जाता है। तो यहां पर बहुत सारे बच्चे जब ये टाइम टेबल देख लिया तो उनको लगा 4 मई से पेपर है, लेकिन जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हो तो यू विल फाइंड यहाँ पे डेट का तो कुछ अलग ही सीन है, यानी जो एग्जामिनेशन 25 अप्रैल से शुरू होने वाली है, ना कि यहाँ पर। तो इस तरीके की टाइम टेबल है। अगर मैं बात करूँ जितने भी बीकॉम सेमेस्टर 5 के रिपीटर स्टूडेंट्स की, मैं बात करूंगा फाइनेंशियल मार्केटिंग बैंकिंग इंश्योरेंस दैट इज BBI, फिर BIM की बात करूंगा, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की बात करूंगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, या बीकॉम BMS एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की मैं बातें कर रहा हूँ, फिर BMS जो है वो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स की हम लोग यहाँ पर बातें करेंगे। सेमेस्टर 5, ये जितनी भी बातें हो रही है सब सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स की होने वाली है। BMS, ये सबके एग्जामिनेशन 5 अप्रैल से शुरू होने वाली है। जी हाँ, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की भी यहाँ पर जो ओल्ड एंड रिपीटर स्टूडेंट है उसकी यहाँ पर बातें होगी। अब सेमेस्टर 1 के एग्जामिनेशन और यहाँ पर 5 अप्रैल तक ये सारी एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगी, यानी कोर्सेज 1 to 18 ये सभी के एग्जामिनेशन 5 अप्रैल तक शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन की, TYBCOM सेमेस्टर 6 की, फिर TYBCOM सेमेस्टर 6 चॉइस बेस्ड, MCOM सेमेस्टर 3 चॉइस बेस्ड, TYBCOM सेमेस्टर 5, यानी इसके पहले हमने सेमेस्टर 6 की बातें की थी जो 5 अप्रैल से चालू होने वाला था, एंड फिर MCOM की बातें हम कर रहे हैं सेमेस्टर 3 के, वो 6 अप्रैल से शुरू होगा। उसके बाद ATKT TYBCOM के स्टूडेंट्स की बातें करें तो ATKT सेमेस्टर 5 की एग्जाम उनकी 25 अप्रैल से होने वाली है, और उसके बाद जितने भी फाइनेंशियल मार्केटिंग TY थर्ड ईयर की मैं बातें कर रहा हूँ, थर्ड ईयर फाइनेंशियल मार्केट BBI, BAF, BIM, BFM, BTM, फिर BMS स्टूडेंट की मैं बातें कर रहा हूँ, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट स्टूडेंट की बातें कर रहा हूँ, ठीक है, BMS, MBA 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज की मैं बातें कर रहा हूँ, उन सभी के एग्जामिनेशन 25 अप्रैल से शुरू होने वाली है। फिर MCOM सेमेस्टर 2, ये जो डेट शीट है आप उसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना, इसमें MCOM सेमेस्टर 2 की एग्जामिनेशन 25 अप्रैल से आपको देखने के लिए मिलेगी, और इसको अच्छी तरीके से समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनेशन में बहुत ही कम समय दिया गया आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पर जो डेट शीट रिलीज की गई वो 8 मार्च 2023 को रिलीज की गई थी, और यहाँ पर आपको जो डेट शीट है उसको समझने के लिए आपको यही याद रखना है, पहला जो डेट है वो मंथ है, फिर डेट है, एंड देन ईयर की यहाँ पर बातें होने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, और जितने भी TYBCOM के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, सेमेस्टर 6 के फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग एंड GST की आप प्रिपरेशन मेरे एप्लीकेशन के द्वारा कर सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग होने वाली 501, लेकिन एग्जामिनेशन का प्रेशर को देखते हुए हमने एक कोड जनरेट किया, ऑल द बेस्ट ALLTHEBEST, ऑल द बेस्ट का कोड आपको वहां पर एंटर करना होगा हैव अ प्रोमो कोड के बाद। जैसे आप उसको एंटर करते हो आपको 251 का इस फ्लैट डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद वही कोर्स आपका एंटायर कोर्स विल बी अराउंड 251 प्लस इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आता तो लाइक करो दोस्तों में, जरूर शेयर कीजिए, इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।